Hello students, this is Shobhik Sen from Affinity Education and we're back with yet another video. और इस बार का हमारा focus होगा on the counseling for the All India Quota seats of the NEET exam. आगे बढ़ने से पहले I would request all of you to please like, comment and share this video as well as subscribe to Affinity Education. Don't forget to press the bell icon to never miss out on any updates coming from us. Now that that's out of the way, let's move forward. The MCC, यानी कि the Medical Counseling Committee of the DGHS, यानी the Director General of Health Services, उन्होंने officially update कर दिया है regarding the status of the All India Quota seats of the NEET exam. ये जानने से पहले मैं आपको एक reference दे देता हूँ और a refresher course of how the seat distribution works. NEET UG exam के लिए 85% of the seats are reserved for the state quota while 15% of the seats are reserved for the all India quota. जहाँ तक PG exam की बात है, it's 50% for the states and 50% for all India. तो ये जो counseling की आज हम बात करेंगे, it's for the seats that come under that 50% and that 15%. Alright? So now that you've understood that, let's move forward. सबसे important point जो याद रखने की ज़रूरत है वो ये है कि इस बार का change क्या होगा. इस बार MCC of the DGHS has brought up a major change जो कि ये होगा कि the counseling for the AIQ seats would be held in 4 rounds. पहले 2 rounds होते थे इस counseling के, अब 4 rounds होंगे. The AIQ round 1, AIQ round 2, mop-up round and the stray vacancy round. इसका मतलब ये है कि round 2 के बाद जो vacant seats पहले state को revert back हो जाती थी वो अब नहीं होगी. And all the seats would be filled by the All India Quota candidates. So that's a good news coming for the students who belong to this category. So now that you know all this, let's go into the details. ये पूरा counseling process जो होगा, that would be completely online. So students won't have to worry about logistics or anything else. Secondly, if we talk about the various rounds, round one की अगर हम बात करें, तो candidates would have the luxury for free exit and upgradation. फ्री एग्जिट यानी कि आप यहाँ से निकल सकते हैं, अपनी सीट फॉरफिट कर सकते हैं विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस, और अपग्रेडेशन अगर आपको एक बेटर सीट चाहिए इन राउंड टू. जहाँ तक राउंड टू की हम बात करें, यहाँ पे दो सिचुएशंस अराइज होती है, इफ़ यू आर अलॉटेड द सीट्स एंड इफ़ यू आर नॉट अलॉटेड द सीट्स. अगर आपको सीट अलॉट हो चुकी है राउंड टू में, तो आप ना ही फ्री एग्जिट के हकदार है, ना ही आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. वो सीट आपकी फिक्स्ड है और आप फर्दर राउंड्स के लिए एलिजिबल नहीं हैं. अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई है राउंड टू में, तब यू आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द फर्दर काउंसलिंग राउंड्स, लेकिन उसके लिए आपको मॉपअप राउंड के लिए फ्रेशली रजिस्टर करना पड़ेगा एंड अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है, जो रिफंडेबल होता है, वो फॉरफिट कर देना पड़ेगा. एंड इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ AIQ राउंड 1, AIQ राउंड 2 और मॉपअप राउंड में ही होंगे. स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशंस नहीं होंगे. सो दिस इज ऑल दैट यू हैड टू नो अबाउट द काउंसलिंग फॉर द AIQ सीट्स. अगर आपको इसके रिगार्डिंग और जानकारी चाहिए, देन यू कैन चेक आउट द न्यूज़ आर्टिकल दैट वी रोट. उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा. एंड अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं और अपडेट्स लेने हैं रिगार्डिंग द एजुकेशन सेक्टर एंड दीज एग्जाम्स, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट इस पे कीजिए एंड एफिनिटी एजुकेशन को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. ऑल द बेस्ट फॉर योर मेडिकल फ्यूचर.